नमस्ते दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक खबर जो हम सबके दिल को खुश कर देगी आपने सही सुना भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने साउथ साउथपुर पर चंद्रयान थ्री ने सफलता पूर्वक लैंड किया है 2019 में चंद्रयान टू को लॉन्च किया गया था जो कि सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ था जिससे हमारे देश के साइंटिस्ट और जनता बहुत ही दुखी हुए थे पर तीन साल बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी के साथ वापस कोशिश की और चंद्रयान थ्री वाहन सक्सेसफुली लैंड कर गया है चंद्रयान थ्री भारत की प्रातम स्वदेशी राजमाजा की यांत्रिकारण उपग्रह चांद पर सफलता से उतर आया है ये एक अनमोल लम्हा है हमारे लिए क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी उपग्रह सफलता से चांद पर लैंड हुआ है इस सफर में चंद्रयान थ्री ने बहुत से चैलेंजर्स का सामना किया है लेकिन हमारे महान साइंटिस्ट्स ने अपने मेनाट और डिटर्मिनेशन से सभी मुश्किलों को पार कर दिया इस सफर में चंद्रयान थ्री ने चांद के टुकड़े टुकड़े को भी खूबसूरत तरीक से कैप्चर किया है ये सफलता भारत के लिए एक बड़ा कदम है इससे भारत की स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में एक नया पन्ना खुला है हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने पूरे देश को गर्व महसूस करवे है चांद पर लैंड करने के साथ हाई चंद्रयान थ्री ने कई एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन भी किए हैं इससे हमें चांद के बारे में और गहरी से जानकारी मिल सकती है इस मिशन से हमें पता चलेगा कि चांद पर पानी है या नहीं और क्या वाहन जीवन संभावना है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सफलता को बधाई और इस पर प्राउड फील करें ये भारत की टाकेट और टैलेंट का प्रमाण है हमारे साइंटिस्ट्स ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी देश की ये खबर हर कोने तक पहुंच सके और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है